ठीक है, तो लास्ट क्लास तो हो नहीं पाया था, तो वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि डायोड जो है एज ए रेक्टिफायर कैसे यूज करते हैं। रेक्टिफायर बोले थे कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। एक किस चीज पे बेस्ड है, तो जो हम लोग ये जानते हैं कि अगर डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करें, ठीक है, यानी कि ये अगर हायर पोटेंशियल पे है तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये रिवर्स बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायस्ड में आइडियल केस में ये करंट को अलाउ करता है पास करने के लिए, लेकिन रिवर्स बायस्ड में अलाउ नहीं करता है, इसी पे बेस्ड है ये। फिर हम लोग देखे थे कि इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोगों ने देखा था कि अगर एसी इनपुट है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर जो है पोटेंशियल को बढ़ाने घटाने के लिए है, ठीक है, हमको उससे उतना मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी तो हम जानते हैं कि अगर एसी इनपुट है तो डायरेक्शन जो होगा हर आधे रोटेशन पे वो चेंज करता है, हर हाफ टाइम पीरियड के बाद वो अपना रोटेशन डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज होता है। तो जैसे कि हम भी इनपुट का ग्राफ बनाए थे, बोले थे कि जब क्लॉकवाइज सर्किट में, यानी सर्किट में क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो उसके लिए पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, ठीक है, यानी कि हर आधे टाइम के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्लॉकवाइज को माने कि पोटेंशियल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज को हम निगेटिव माने। तो यहाँ अगर हम डायोड को कंसिडर कर रहे थे, ठीक है, डायोड को अगर हम इसमें कंसिडर कर रहे थे, अगर नहीं था डायोड तो रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जो है अपना डायरेक्शन हर आधे टाइम पे चेंज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब हम डायोड को लगा दे रहे हैं, डायोड को जब हम इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं सर्किट में, तब दिख रहा है कि जब क्लॉकवाइज है तो ये फॉरवर्ड बायस्ड की तरह ट्रीट होगा और एंटी क्लॉकवाइज में ये रिवर्स्ड बायस्ड, ठीक है। फॉरवर्ड जब है तो डायोड जो है करंट को पास होने देगा, लेकिन जब रिवर्स है एंटी क्लॉकवाइज वाले में तब वो करंट को पास नहीं होने देगा। तो इसके लिए हम बोल रहे थे कि जो आउटपुट हमको मिलेगा, यानी कि क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव वाला हमको ये मिलेगा, लेकिन जो निगेटिव है उसमें हमको करंट या पोटेंशियल जीरो मिलेगा। जब करंट जीरो तो पोटेंशियल भी जीरो, वैसे ही हमको ये आउटपुट मिल गया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये इनपुट में ये रेजिस्टेंस के लॉन्ग है, ठीक है, रेजिस्टर जो हम लगाए हुए हैं उसी के लॉन्ग का आउटपुट हम देख रहे हैं, क्योंकि वही हमारा लोड है, उसी मेन है, कोई भी डिवाइस अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो हम उसी को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज अगर हम देख रहे हैं तो पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव वाला जीरो हो जा रहा है, तब हमको रेजिस्टेंस के अलोंग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट दिख रहा है, और वो भी कौन सा, तो सिर्फ क्लॉकवाइज वाला, एंटी क्लॉकवाइज वाला तो जीरो है, यानी कि सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको करंट दिख रहा है, तो हमको ऐसा आउटपुट मिल रहा है, और सिर्फ एक डायरेक्शन में है तो ये क्या है, डीसी है। पहले क्या था, एसी था, अब हमको क्या मिल गया, डीसी, ठीक है। तो जो हमारा रेक्टिफायर है उसमें हम रेजिस्टेंस के अलोंग हम एक अगर डायोड लगा दिए तो जो सर्किट था हमारा, हम बोलते हैं वो रेक्टिफायर हो, रेक्टिफायर सर्किट है, हम उसको रेक्टिफाई कर, रेक्टिफायर का क्या काम हुआ, तो जो हमारा लोड रेजिस्टेंस था उसमें जो करंट बार बार डायरेक्शन अपना चेंज कर रहा था उसको एक डायरेक्शन में लाने का पर्पस, एक डायरेक्शन में हमको मिल गया, ठीक है, ऐसा। अब जैसे कि हम लोग कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, फ्रिज टीवी जो भी है, सब लगभग डीसी पे ही वर्क करता है, तो हम लोग हर में आज के डेट में रेक्टिफायर लगा होता है, यानी कि जो ऐसे सर्किट हमारे घर में आता है वो रेक्टिफाई होकर डिवाइसेस में जाता है, तो वही चीज है। लेकिन अगर हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं तो हाफ वेव को ही ये रेक्टिफाई कर रहे हैं, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहता है, कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी कि जो है कितना
कितने टाइम के बाद वो खुद को रिपीट कर रहा है, तुमको दिख रहा है कि सेम टाइम है, यानी कि पहले जो इनपुट था और आउटपुट दोनों का टाइम पीरियड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम। इसका एफिशिएंसी आधे वेव को कर रहा है, तो ऐसे तो 50% होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, तो उन सबको कंसिडर करते हुए ये 41.6% हम लोग लेते हैं, इसका एफिशिएंसी इतना है। ठीक है, जो हमारा आउटपुट है वी आउटपुट, अगर आउटपुट में हम डीसी का बात कर रहे हैं, वी डीसी, ठीक है, जो हमको डीसी मिल रहा है ना, आउटपुट जो मिल रहा है वो इनपुट के टर्म में अगर लिखेंगे तो हम वी नॉट बाई पाई लिखते हैं। ठीक है, ये वही चीज है जो हम लोग एवरेज वेलोसिटी आरएमएस वैल्यू निकालते थे, वही वाला चीज। ठीक है, तो ये चीज आता है। आई अगर लिखेंगे तो ये हम लिखेंगे आई एसी, यहाँ पे एसी कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एसी वाला जो भी मैक्सिमम है वही चीज, यानी कि हम लोग देखे थे कि एसी में आई नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे लिखते थे, वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वही चीज ये एसी का मैक्सिमम वैल्यू है, तो नॉट ही लिखते हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जो एसी पढ़े तो उसमें ये चीज यूज किए थे। ठीक है, भी डीसी को हम क्या लिख सकते हैं, आर लोड इंटू आई डी सी। ठीक है, ये चीज भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, इसी में है बेस्ट फुल वेव रेक्टिफायर, सेम प्रिंसिपल सब कुछ रहेगा। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा, तो इनपुट तो सब सेम ही रहेगा, ये ट्रांसफॉर्मर हो गया, इसको सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर इसलिए क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है इस लोड के सेंटर से ऐसे कनेक्टेड होता है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, ऐसा सर्किट होता है, इसमें हम एक डायोड इधर ऊपर ऐसे लगा देते हैं और एक डायोड ऐसे नीचे लगा देते हैं, ऊपर वाले को हम नाम दे दे रहे हैं D1, नीचे वाले को नाम दे दे रहे हैं D2। ठीक है, ये हमारा सर्किट हो गया, बीच में जो है रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस है, बुक में देखोगे तो ऐसा जग दिया रहेगा, या फिर इसको ऐसे भी बना के दिया रहता है, यानी कि यहां से गया पार हुआ ऐसा आ गया। ठीक है, बाहर लिख दिए, बात सेम है। ठीक है, अंदर हम ड्रॉ किए थे या फिर बाहर लिखे हैं, बात सेम है, बुक में ऐसा ड्रॉ किया रहता है, तो घबराने का बात नहीं। पहले जो हम ड्रॉ किए थे और अभी ड्रॉ किए हैं कोई भी अंतर नहीं है, यहां से हम इसको क्रॉस करा के ले गए, सेंटर पे टैप्ड है ऐसा। ठीक है, तो हम फिर से वही चीज है, इधर वाले को हम पॉजिटिव मानेंगे, इधर से जो करंट जाएगा वो निगेटिव मानेंगे। तो हम ध्यान से देख रहे हैं, अगर हम इनपुट का बात कर रहे हैं तो टाइम के साथ साथ ये हमको ऐसा मिल रहा है, आउटपुट पे गौर करते हैं अब। ठीक है, इसका टाइम पीरियड ये टी हो गया, ये 2T हो गया, ऐसे चलते जा रहा। देखो अब ध्यान से कि जब पॉजिटिव होगा, यानी कि जब पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, हम पुराना वाला ही फिगर बनाते हैं ताकि समझने में थोड़ा हमको आसानी हो। ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, इधर से करंट को हम नेगेटिव बोल रहे हैं ऐसा। अब ध्यान से देखो, जब पॉजिटिव है, ठीक है, जब करंट क्लॉकवाइज है, यानी करंट
जब क्लॉकवाइज है सर्किट में, तब D1 जो है यानी कि डायोड वन फॉरवर्ड बायस्ड है, D2 जो है वो रिवर्स बायस्ड है। जब करंट क्लॉकवाइज है सर्किट में, देखो ध्यान से, तब D1 फॉरवर्ड बायस्ड है और D2 रिवर्स बायस्ड है, यानी कि ये तो पास करेगा ये पास नहीं करेगा। वैसे ही अगर हम एंटी क्लॉकवाइज का बात कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज के केस में D1 हमको दिख रहा है रिवर्स बायस और D2 दिख रहा है फॉरवर्ड बायस्ड। देखो ध्यान से, करंट का डायरेक्शन हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है, यानी कि D1 में फर्स्ट केस में P2N जा रहा है तो फॉरवर्ड बायस्ड, तो ये करंट पास नहीं करेगा लेकिन ये पास करेगा। ऐसा हो रहा है हर आधे रोटेशन। अब आते हैं रेजिस्टेंस में। जब हम रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं तो जब क्लॉकवाइज है तब भी करंट इधर से ही आया, इसमें इधर तो करंट गया नहीं। जब क्लॉकवाइज है तब रेजिस्टेंस में करंट जो है इधर ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। जब क्लॉकवाइज है तब करंट रेजिस्टेंस में ए से बी की तरफ जा रहा है, इधर करंट नहीं आ रहा है डी टू में। जब एंटी क्लॉकवाइज है तब D2 में करंट पास हो रहा है, D1 में नहीं जा रहा है और रेजिस्टेंस में फिर से A2B ही जा रहा है, ठीक है। तो हमको कैसा मिलेगा? ऐसा कुछ करंट मिलेगा, ठीक है। आउटपुट जो मिलेगा हमको ऐसा मिलता चला जाएगा। फर्स्ट जब क्लॉकवाइज है तो D1 रिस्पॉन्सिबल होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज है तो D2 रिस्पॉन्सिबल है, फिर D1 फिर D2, ऐसा ही हो चलता जाएगा। यानी कि जब क्लॉकवाइज है तो D1 फॉरवर्ड बायस्ड है, उससे करंट आके रेजिस्टेंस में A2B ही जा रहा है। जब D2 से जा रहा है करंट तब भी रेजिस्टेंस में A2B ही जा रहा है, यानी कि हमारा V आउट रेजिस्टेंस में अगर हम देख रहे हैं तो हमेशा हमको एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, A2B, एक डायरेक्शन, यानी कि एसी डीसी डायरेक्शन सेम है, यानी कि डायरेक्ट करंट डीसी, ठीक है। यानी कि इसमें अब हमको क्या मिल रहा है कि ये पूरे के पूरे वेव को रेक्टिफाई कर रहा है, यानी फुल वेव रेक्टिफायर इसको इसलिए हम लोग नाम देते हैं। ट्रांसफार्मर के सेंटर में टैप्ड होता है, सेंटर में कनेक्ट किए हुए हैं, इसलिए इसको सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके हम बात करें तो यही फिगर से देख के बताओ कि टाइम पीरियड क्या हो, ठीक है। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा बोलो, कोई खुद T/2 कोई कि नया जो टी हाफ डैश अगर हम बोल रहे हैं वो T/2 हो जा रहा है, यानी कि ये आधे टाइम पे ही खुद को रिपीट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जा रहा है, डबल हो जाए ठीक है। एफिशिएंसी ये भी बढ़िया। डबल हो जाएगा, इसका होता है 42.41.6 है तो 82.2 समथिंग आता है, कितना हो जाएगा 83.2 हो जाएगा ना इसका, कितना हो जाएगा 81.6 आते हैं, 82.81.2, 81.2 ये आता है, तो यहाँ पे हम शायद जीरो आएगा, ठीक है। 40.6 होगा, ये 81.2 रहेगा, उसका डबल एफिशिएंसी रहेगा। हम वी नॉट का अगर बात करते हैं देन वी डी सी का, तो ये आता है 2V0/π, ठीक है, डबल है। तो ये हम लोग एवरेज का बात करते हैं, तो एवरेज है तो हम लोग इंटीग्रेट करके सब फाइंड करते हैं, तो ये भी एवरेज जो आएगा हमारा इतना आता है। ठीक है, बाकी वैसे ही करंट के लिए लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिज रेक्टिफायर, ये भी फुल वेव रेक्टिफायर ही है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। D1, D2, D3, D4, ठीक है। ध्यान से देखो, खुद ब खुद अब समझ में आ जाएगा कि जब करंट इधर से जब जा रहा होगा, हम डायरेक्ट आउटपुट बना रहे हैं, बाकी तुम लोग बताओ। आउटपुट हमको वैसा ही मिलेगा, यानी कि जब पॉजिटिव, जब इधर से पॉजिटिव वाला करंट है, इधर से निगेटिव वाला, तो फर्स्ट हम पॉजिटिव माने हैं। तो पॉजिटिव के केस में देखो, करंट जो आएगा इधर से ऐसा आया, इधर से पास होगा, इधर से नहीं जाएगा क्योंकि रिवर्स हो जा रहा है। करंट इधर से आएगा, यहाँ से फिर इधर से होता हुआ इधर से निकल जाएगा, यानी कि इस केस में D2 और D3 से पास कर रहा है। वैसे ही इसमें पास करेगा D4 और D1 से, फिर D2, D3, D4, D1, ऐसा ही चलता जाएगा। तो ऐसा अगर फिगर दिया हुआ रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर। ये भी और कुछ नहीं, फुल वेव रेक्टिफायर है। इसमें हम 4 डायोड का यूज करें। सर, इसका यूज कहाँ होता है? जैसे कि अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज कर रहे हैं घर में, कोई भी अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, तो उसमें जो करंट हम लोग बाहर से भेजते हैं वो तो ऐसे ही रहता है, लेकिन जो भी वो वर्किंग है उसका, वो तो डायरेक्ट करंट के ऊपर वर्किंग रहता है उसका। तो उसी के अंदर रेक्टिफायर हम लोग यूज किए रहते हैं। उसी के अंदर सर्किट में हम लोग डायोड, जो मदरबोर्ड होता है उसमें डायोड लगा होता है, तो वहां पे वो डायोड जो होता है, जहां पे भी जरूरत पड़ता है अंदर में, वहां पे उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके भेजता है, एक ही डायरेक्शन में पास करते रहता है। ठीक है, लगभग इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं ये मोबाइल चार्जर, ठीक है, मोबाइल चार्जर है, तो वहां पे जो एडेप्टर लगा होता है वो क्यों लगा होता है, वही पर्पस है, क्योंकि तो मोबाइल का जो बैटरी है वो तो डीसी है, उसको चार्ज भी करेंगे तो डीसी से ही करेंगे। लेकिन हम अगर घर में जो बिजली है वो तो एसी है, तो जो एडेप्टर के साथ जो हम लोग लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें कनेक्टिंग वायर डालना पड़ता है, ठीक है, तो वो जो चीज होता है उसमें ये सर्किट लगा हुआ रहता है, ठीक है, उसमें भी रेक्टिफायर लगा होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर हमारे मोबाइल के बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, वो जो चार्जिंग वाला होता है उसको एडेप्टर ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है। चार्जिंग ब्रिक। हाँ वही, चार्जिंग वाले जो आजकल मोबाइल में ऐसा नहीं आता है, दो लगा होता है यस इधर, यस, समझ रहे। हाँ उसको क्या बोलते हैं, पूरे को तो बोलते हैं कि चार्जर है, ठीक है, चार्जर ही अब जो भी कहते हैं उसको अलग से। फिल्टर सर्किट,
ठीक है। अब यहाँ जो हमको इसमें आउटपुट हमको मिल रहा है यहाँ पे, ये सारे चीज क्या मिल रहे हैं, रिपल्स मिल रहे हैं, रिपल्स यानी वेव फॉर्म। ठीक है, हमको कैसा मिल रहा है, वेव फॉर्म मिल रहा है, यानी कि करंट बढ़ रहा है। देखो ध्यान से, अगर ये हम करंट का बोल रहे होते टाइम के साथ, तो करंट पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, यानी करंट जो है कॉन्स्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस जो यूज करते हैं वो कांस्टेंट करंट पे ज्यादा अच्छा वर्क करता है। अगर फ्लक्चुएशंस होते हैं करंट में तब तो दिक्कत आता है, यानी कि अगर हम बैटरी चार्ज में लगा दे और करंट फ्लक्चुएट कर रहा हो तो थोड़ा बहुत डिवाइस खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसमें हम लोग एक फिल्टर सर्किट बोलते हैं, यानी कि इसमें हम कुछ ऐड कर देते हैं जिससे वो करंट जो हो जाए, जो रिपल्स फॉर्म कर रहे हैं, जो वेरी कर रहा है, वो कांस्टेंट रहे। तो कैसे करते हैं, तो ये हमारा फिल्टर रेक्टिफायर हो गया मान लेते हैं। ठीक है, इधर से इनपुट था, एसी इनपुट था, इधर से हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इधर से हमको आउटपुट मिलेगा, मान लेते हैं कि ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। इसमें अगर आउटपुट मिलता अभी, तो अभी रिपल फॉर्म करता हुआ मिलता। ठीक है, इसके क्रॉस हमको वी आउट का हम बात करते हैं। ठीक है, इस केस में अगर एसी है रेक्टिफायर करके हम लोड का देख रहे हैं, तो हमको रिपल्स दिख रहा है जो कि वेव फॉर्म है, यानी कि करंट या पोटेंशियल इस लोड के अक्रॉस बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा हो रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये जो करंट हो कांस्टेंट हो जाए, तो हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि कैपेसिटर जो होता है या फिर इंडक्टर, वो इनर्जी स्टोर करता है चार्जिंग के दौरान, और डिस्चार्जिंग के दौरान इनर्जी को वही बाहर प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर का अगर हम कंसीडर करें, तो कैपेसिटर को जब हम चार्ज कर रहे होते हैं किसी हायर पोटेंशियल से, उसको कनेक्ट करते हैं, तो एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, हाफ क्यू स्क्वायर वैसी या हाफ सीवी स्क्वायर एनर्जी स्टोर होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर उस कैपेसिटर को हम किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, रेजिस्टेंस को अपना एनर्जी ट्रांसफर करता है, और धीरे 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 वो अपनी एनर्जी लॉस कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सारे चीजें हम लोगों ने देखा था। तो हम यहाँ भी अगर कैपेसिटर या इंडक्टर, इंडक्टर भी वैसे ही काम करता है, तो कैपेसिटर या इंडक्टर अगर हम इस सर्किट में कैसे भी ऐड कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग कैपेसिटर का देख रहे हैं, तो कैपेसिटर जो है, अगर हम यहाँ पे पैरेलल में एक कैपेसिटर जोड़ दें, ठीक है, पैरेलल में क्या किया हम, एक कैपेसिटर जोड़ दी, तो फिल्टर सर्किट हम लोग बोलते हैं वही कि कैपेसिटर इन पैरेलल विथ लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, या फिर दोनों में से कोई एक काम, इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर भी मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन इसको हम लोग सीरीज में देखे थे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तब ये सिमिलर काम होता है। तो हम लोग कैपेसिटर का देख रहे हैं। अब हमारे पास इनपुट है ऐसा, ठीक है, ये इनपुट है, करंट का ही हम बात कर रहे हैं, यानी कि करंट पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ऐसा हो रहा है। तो यहां से यहां तक का अगर हम बात करें, यानी कि जब करंट बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, यानी कि हम इधर हायर वाला माने हैं, इधर लोअर, यानी कि इधर से करंट आ रहा है मान ले रहे हैं, इधर से पॉजिटिव इधर से निगेटिव करंट जो है, हम एक ही डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, तो ऊपर से ही आ रहा है रेजिस्टेंस में, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। तो ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव ऐसा होगा। यहां से यहां तक जब करंट बढ़ रहा है, तब तक क्या होगा, इस दौरान में, यानी कि इसको अगर हम बोल रहे हैं टी है ऐसा है, तो जीरो से टी बाय टू तक कैपेसिटर जो होगा चार्ज होगा। ठीक है,
कैपेसिटर चार्ज होगा और लोड के अक्रॉस भी करंट वैसे ही बढ़ रहा होगा। जब टी बाई टू से टी का बात कर रहे हैं, जब करंट जो है सर्किट में कम होने लगा, घटने लगा, तब कैपेसिटर जो है पहले से जो चार्ज हो रखा है, अब उसका पोटेंशियल बाहर वाले का पोटेंशियल घट रहा है, करंट घटने का मतलब यही हुआ। तो अब जो है ये कैपेसिटर जो होगा वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। डिस्चार्ज होगा तो किसके थ्रू? थ्रू रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस में ये करंट प्रोवाइड करेगा। तो ध्यान से देखो क्या होगा कि जब करंट बढ़ रहा है, जब करंट बढ़ रहा है तब तक कैपेसिटर चार्ज हुआ, कैपेसिटर चार्ज हुआ, फिर जब करंट लोड के क्रॉस घट रहा है, टोटल घट रहा है तो लोड के क्रॉस भी घट रहा होगा, लेकिन उस समय कैपेसिटर जो है अब एक्स्ट्रा करंट प्रोवाइड कर रहा है। कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना यानी कि चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना यानी कि करंट फ्लो होना। तो करंट अगर दे रहा है तो ये जो लोड के क्रॉस जो है उतना कम नहीं आएगा, वो ऐसा कुछ आएगा, यानी कि यहाँ से तो ऐसा गया लेकिन लोड के क्रॉस अब कुछ कॉन्स्टेंट है यहाँ तक, फिर बढ़ रहा है तो लगभग वही रहेगा, फिर घटेगा, फिर ऐसा ही लगभग हमको एक यूनिफॉर्म मिल जाएगा। ये हम बोल रहे हैं करंट अक्रॉस लोड, ठीक है। लोड के अक्रॉस अब हमको करंट क्या मिल रहा है, एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट करंट मिल जा रहा है, यानी कि रिपल्स जो थे, वेव फॉर्म जो था वो लगभग खत्म हो चुका है। तो ये जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट क्या होता है, तो अगर हम लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल में कैपेसिटर लगा दे या फिर सीरीज में इंडक्टर लगा ले। इंडक्टर का भी वही कहानी है, जब हम लोग करंट उसमें पास करते हैं तो मैग्नेटिक एनर्जी उसका बढ़ता जाता है, जब वो एक्टिव हो जाता है करंट घटता है तो फिर से वो करंट प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल ईएमएफ के। वैसे यहाँ कैपेसिटर है, एनर्जी स्टोर्ड किया, फिर वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है रेजिस्टेंस को, यानी कि करंट जो है जब घट रहा है तब ये कैपेसिटर एक्स्ट्रा एनर्जी दे के उसको यूनिफॉर्म रख रहा है, फिर जब बढ़ रहा है तो चार्ज कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर प्रोवाइड करेगा, फिर चार्ज होगा, फिर प्रोवाइड होगा, ठीक है। यानी कि ऐसे कैपेसिटर जो हो रहा है बार बार चार्ज हो रहा है, फिर एनर्जी प्रोवाइड करते जा रहा है, और हमको जो है लोड रेजिस्टेंस में करंट जो है अब यूनिफॉर्म मिल रहा है, एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो फिल्टर सर्किट का यही काम होता है कि जो रिपल्स फॉर्म कर रहे होते हैं उसको खत्म कर दे, रिपल्स फॉर्म करके जो लोड है उसके अक्रॉस करंट को कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म करने का काम होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि फिल्टर सर्किट provides uniform current या फिर potential बोलो across load resistance के across में वो uniform current या potential provide करता है, ठीक है। This is को बोलते हैं हम लोग filter circuit। ये जो चीजें हैं इस चीज को बोलते हैं हम लोग फिल्टर सर्किट, ठीक है। यानी कि हमने देखा कि अगर डायोड लगाते हैं तो जो एसी है वो डीसी में कन्वर्ट हो जा रहा है, डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन रिपल्स फॉर्म कर रहा था, तो रिपल्स फॉर्म को हटाने के लिए हमने पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ दिया, या फिर हम इसके सीरीज में लोड रेजिस्टेंस के सीरीज में हम एक इंडक्टर भी जोड़ सकते हैं, दोनों से हमारा काम हो जाता है। मोस्टली कैपेसिटर यूज होता है, दोनों का पर्पस यही है कि जब वो चार्जिंग के केस में जब करंट बढ़ रहा है तब वो चार्ज हो रहा है, और बाद में जब करंट घट रहा है तो ये अपना जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करके उसके अक्रॉस जो है करंट को लगभग कॉन्स्टेंट रख रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो ये सब कहानी याद होने चाहिए। क्वेश्चन जो इससे बनते हैं बहुत ही सिंपल, थोड़ा बहुत अगर कैपेसिटर आ गया है तो हो सकता है कैपेसिटर रेजिस्टेंस जोड़ दे एडवांस वाले में, नहीं तो मेंस में और भी कुछ नहीं करता।
अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, ये भी जो है एप्लीकेशन ऑफ डायोड ही है। ठीक है, डायोड के एप्लीकेशन ही है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑप्टो इसलिए बोला जाता है कि यूजेस लाइट, ठीक है, लाइट जो कि हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं, तो फोटो बोल सकते हैं, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है ऑप्टो। ठीक है, ऑप्टो मतलब लाइट है, तो ऑप्टो या फिर फोटो, फोटो या ऑप्टो अगर बोला जाए तो ये समझना है कि लाइट से रिलेटेड कुछ चीज है। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि लाइट को यूज करता है, इसलिए इसका ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। ये हम लोग तीन तरह के पढ़ते हैं, तो वही पहला देख रहे हैं। पहला है फोटो डायोड्स, ठीक है, फर्स्ट है फोटो डायोड, ठीक है, लाइट का जरूरत का यूज करेगा। वर्क किसमें करता है, तो इसमें हैवली डोप्ड पी एंड एन साइट्स होते हैं, दोनों साइट्स को हम बहुत ही हैवी डोपिंग करे होते हैं। तो हैवी डोपिंग से क्या होता है, पहले भी जेनर डायोड में बोले थे कि अगर हैवी डोपिंग रहेगा तो बीच में जो हमारा बनेगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर न्यूट्रल जोन बनाएंगे, डिप्लीशन लेयर थोड़ा सा बनता है, और रिवर्स कंडीशन में ये भी रिवर्स वर्क डिन, रिवर्स कंडीशन, रिवर्स बायस में वर्क होगा, और बेस्ड ऑन एवलेंस ब्रेकडाउन। ठीक है, तो आधा कहानी अब यहां से समझ में आ गया होगा। अब इसका हम बात कर रहे हैं कि फोटोडायोड होता क्या है, फिर कहाँ यूज करेंगे, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो फोटोडायोड जो है यानी कि हम लोग ऐसा डायोड हम लोग बनाते थे, एक तरफ पी होता था एक तरफ एन होता था, तो ये जो फोटोडायोड है ये हैवली डोप्ड अगर पी एन जंक्शन बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोडायोड है। इसको हम रिवर्स कंडीशन में वर्क कराते हैं, रिवर्स कंडीशन में वर्क कराते हैं, और ये बेस्ड ऑन एवलेंस ब्रेकडाउन है। अब इसका वर्किंग क्या है वो देखते हैं। ये डिप्लीशन रीजन, इधर पी इधर एन, रिवर्स कंडीशन यानी पी को हमको लोअर पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा और एन को हायर पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा, यानी कि बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें ऐसा फॉर्म करा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक मान लेते हैं कि एम मीटर या बल्ब जो भी लगाओ करंट डिटेक्ट करने के लिए, तो ये माइक्रो एम मीटर, क्योंकि इसमें करंट जो बहेगा वो माइक्रो में ही बहता है, माइक्रो लेवल में, तो माइक्रो एम मीटर है। ठीक है, अब होता क्या है, मान लेते हैं कि ये डायोड है, इस डायोड पे हमने ऐसा लाइट फेंका, ठीक है, एवलेंस ब्रेकडाउन है, तो ये बात समझ में आ जाना चाहिए था। अगर इस पे हम इस पे लाइट डाले कोई भी एच न्यू फ्रीक्वेंसी का जो ग्रेटर देन इसका बैंड गैप, ठीक है, इसके बैंड गैप से अगर ज्यादा एनर्जी का कोई भी एनर्जी इस पे पड़ा, एनर्जी पड़ा तो यहाँ पे जो होल और इलेक्ट्रॉन है वो टूट जाएंगे, होल इलेक्ट्रॉन पेयर टूटेगा, और होल इलेक्ट्रॉन पेयर टूटेगा इसका मतलब ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन इधर और होल्स इधर भागेंगे। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे हमको करंट डिटेक्ट होगा, ठीक है, इसमें हमको करंट डिटेक्ट होगा, और इसी प्रिंसिपल पे ही वर्क होता है, यहाँ पे हमको करंट डिटेक्ट करने में सहायता मिल गया ऐसा कुछ हुआ तो।
इसका जो सिंबल होगा वो ऐसा होगा, इस पे ऐसा लाइट पड़ रहा है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है फोटोडायोड का। इसका वर्किंग है ये कि एवलेंस ब्रेकडाउन पे है, तो ये चीज हम लोग वर्किंग देखिए। अब इसके यूजेस देखते हैं कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, ये क्या कहते हैं, मूवीज सब में देखे होंगे, बहुत सारे मूवीज में दिखाता है कि कहीं पे कोई हीरो या विलन जो भी होता है चोरी करने जाता है, जैसे कि धूम 2 में था शायद ऋतिक रोशन वाले में, वहां हीरा चुराने जाता है तो लाइट आते रहता है। ठीक है, लाइट इस पे पड़ रहा है, मान लेते हैं कि ये सर्किट था वहां पे, उस पे लाइट पड़ रहा है, करंट कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से इसको हटा दिए, यानी बीच में हाथ ले गए या फिर उस लाइट के कनेक्शन को तोड़ दिए, तो ये करंट फ्लो बंद हो जाएगा। करंट फ्लो बंद हो जाता है तो उस पर अलार्म से सिस्टम से जुड़ा रहता है, अलार्म बजने लगता है। ठीक है, देखोगे मूवीज में कि रेज, लाइट के रेज जाते रहते हैं, दिखता नहीं है, इंफ्रारेड रे, ये सब चीज रहता है, हॉलीवुड में और ज्यादा दिखाते हैं। ठीक है, तो वहां पे यही चीज होता है कि ये बर्गलरी अलार्म में, अलार्म में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि मान लेते हैं कंटिन्यूअस पे कोई लाइट पड़ रहा है जो हमको दिख नहीं रहा है, तो कंटिन्यूअस करंट का फ्लो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही करंट खत्म हुआ, बीच में हम आ गए, इस लाइट के बीच में कोई भी चोर था, खड़ा हो गया, तो क्या होगा, कनेक्शन टूट जाएगा और उससे जो कनेक्टेड अलार्म सिस्टम होगा वो बजना शुरू हो जाएगा, ऐसा यूज होता है। ठीक है, या फिर आर्मी वाले लोग यूज करते हैं सिग्नल्स भेजने के लिए, हो सकता है एक जगह से वो लोग सिग्नल भेज रहे होंगे, दूसरे जगह ये चीज लगा के रखा हुआ हो, उस पर सिग्नल्स भेजते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि एक्सरेज, इंफ्रारेड जो भी भेजा जाए उससे भेजे। अब इस पे जैसे पड़ा लाइट तो वैसे बल्ब जला या फिर कुछ भी सिस्टम रखा हो, उस बल्ब जलेगा, एक बार जला तो कोई एक कोडेड मैसेज, दो बार जला तो कोई दो मैसेज, तो वैसे करके वहां से लोग लाइट भेजते हैं, यहाँ पे रिसीव होता है, तो वैसे कोडेड मैसेज यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, केसरी मूवी देखे होगे तो उसमें दिखाता है कि एक जहाँ पे लोग रहते हैं वहां पे अटैक होता है, तो शीशा जैसे धूप आता है तो शीशा है, वहां से कोडेड मैसेज एक बुक रहता है, उस पर 3 बार लाइट है तो उससे रिलेटेड मैसेज, तो वैसे मैसेज वो लोग भेजते हैं। या फिर मोर्स कोड एक होता है, कोड के जरिए जैसे कोडेड मैसेज भेजा जाता है, तो आर्मी वाले यूज करते हैं, फिर बर्गलरी अलार्म में हम चीज कुछ कर सकते हैं। तो यह है फोटो डायोड, यानी कि डायोड ही रहता है जिसपे लाइट पड़ते रहता है, तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो हम लोग जो डायोड है उसको सेकेंड एलईडी में लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि ये इन फॉरवर्ड बायस। सर आवाज लग कर रहा, आवाज कट रहा है सर। यस सर, आ रहा है, कट रहा है अभी, आ रहा है। ठीक है, एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, इसके बारे में बहुत आजकल एलईडी टीवी, एलईडी बल्ब, सब चीज एलईडी, ट्यूबलाइट, सब कुछ एलईडी ही आ रहा है, तो वही क्या है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये जो है फॉरवर्ड बायस पे वर्क करता है। ठीक है, अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि फोटो डायोड का अपोजिट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्किंग है इसका ऐसा कुछ, इसको अगर हम बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस्ड है, तो फॉरवर्ड बायस्ड यानी कि पी को हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट करेंगे ऐसा। ठीक है,
अब जैसे कि हम लोग देखे थे कि अगर ये जो प्रिंसिपल है, जैसे कि अगर हमने बात किया, ऐसे सोचते हैं कि एक होल है, एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे अगर हमने लाइट ऐसा पड़ा, एच न्यू लाइट इस पे पड़ा, तो ये जो बॉन्ड है ये टूट गया, ठीक है। यानी कि इतने एनर्जी अगर हम दिए जो कि ग्रेटर देन इसका एनर्जी गैप है, तो ये बॉन्ड टूट गया। सोचो, हम लोग ये चीज तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम इतना एनर्जी दे के तोड़ रहे हैं, तो बनाएंगे उसको, यानी कि एक होल को और एक इलेक्ट्रॉन को जब हम जोड़ेंगे, तो क्या इतना एनर्जी हमको नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि तो जितना एनर्जी हम दिए हैं तोड़ने में, अगर एक इलेक्ट्रॉन और होल आके मिलता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक होल है, ये आके आपस में अगर डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज होता है यानी कि मिलता है, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा? एच न्यू एनर्जी हमको मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर एक होल और इलेक्ट्रॉन पेयर को तोड़ने में हमको एनर्जी देना पड़ रहा है, तो होल और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बनेगा तब भी हमको एनर्जी मिलेगा, मिलेगा ऑफ कोर्स। तो यहां से अगर हम भी बढ़ाएंगे, तो हम बोले ही थे कि यहाँ से होल्स जो होते हैं और इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजोरिटी में, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और यहाँ पे आके ये मिल गए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और ये मिला, तो मिला तो यहाँ से हमको एनर्जी एच न्यू मिला, ठीक है। अब वो जो एच न्यू एनर्जी मिला, यानी वो किस फॉर्म में है? लाइट के फॉर्म में है, यानी कि हमको लाइट मिला। अब वो किस रेंज में है, उस चीज पे डिपेंड करता है कि हमको दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा, दिखने या नहीं दिखने का तो हमको उस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो किस रीजन में है, ठीक है। यानी कि अगर हम रीजन कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम वेरिएशन का रीजन देखे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में विजिबल में है तो दिखेगा, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, एक्सरे, ये सब होगा तो हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस चीज का जो हम कंस्ट्रक्शन बनाते हैं वैसा कुछ होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग ऐसा शेप दे देते हैं ताकि जो लाइट है आसानी से निकल जाए, ठीक है। ये पी बोल रहे हैं, ये एन बोल रहे हैं, ऐसा कनेक्ट कर दिए हैं, यहाँ से एच न्यू लाइट निकल रहा है, ये चीज देखे होगे, ठीक है। ये हम लोग डेली देखते हैं लगभग टॉर्च में या फिर जहां तहां, ठीक है। ऐसे जो एलईडी बल्ब हम लोग देखे होंगे, तो उसमें ये जो चीज है यहाँ पे वही चीज ये है, ठीक है। पीएन जंक्शन जो है यहाँ पे, हम लोग एक सिल्वर कलर का छोटा सा अगर एलईडी बल्ब देखते हैं, तो चीज ये ग्लास का ऊपर से कवर का करा होता है, और इसमें गैसेस होते हैं, इनर्ट गैस, ठीक है। तो यहां से जो लाइट निकलता है, ऐसे लाइट निकला तो इनर्ट गैस रखा होता है कि वो वहां पे स्कैटर कर जाए, स्कैटर करके हमको ज्यादा लाइट मिले, ठीक है। तो इसी चीज को बोलते हैं हम लोग एलईडी, और आजकल यही जमाना चल रहा है, हर चीज में एलईडी लाइट लगा हुआ है, तो यही चीज, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, दिखेगा कब या नहीं दिखेगा, तो हमने पढ़ा था कि विजिबल रेंज के लिए, विजिबल लाइट के लिए, लाइट के लिए यानी कि जो वेवलेंथ है लेमडा, वो 400 लगभग एंगस्ट्रम से 700 एंगस्ट्रम तक था, यानी कि वायलेट से लेके रेड तक, ठीक है। वायलेट का लगभग 380 या 350 के आसपास आता है, तो 400 से 700 बोल रहे हैं। इनर्जी का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इनर्जी जो होता है, वेवलेंथ इसका कम है तो ज्यादा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग आता है विजिबल रेंज के लिए। और यहाँ पे जो इनर्जी रिलीज होगा ये किसके बराबर होगा? तो ईजी के बराबर ही होगा, ठीक है। नहीं, अगर मिला तो उतना के बराबर वो एनर्जी मिलता है। तो विजिबल रेंज में होने के लिए हमारा जो
कोई भी अगर हम डायोड यूज कर रहे हैं तो उसका जो इजी होना चाहिए इस रेंज में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 1.8 सर ऑडियो लैग कर रहा है। ठीक है अब आ रहा होगा। हेलो। यस सर। ठीक है तो यहाँ पे एनर्जी विजिबल के लिए लैम्डा के टर्म में देखे तो ऐसा, एनर्जी के टर्म में देखे तो ऐसा, तो जो हमारा इजी होना चाहिए विजिबल में होने के लिए इसी रेंज में होना चाहिए। तो जैसे फॉस्फाइड होता है अर्सेन, गैलियम आर्सेनाइड सर वॉइस नहीं आ रहा। हेलो हेलो यस सर। हेलो हेलो यस सर। ठीक है स्क्रीन आया क्या? नो सर।
हेलो यस सर हेलो, यस सर आ रहा है स्क्रीन अब? यस सर ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड में एक्स और वन माइनस एक्स कितने परसेंटेज डाले गए हैं, वो चीजें। तो एक एग्जांपल है, इसका एजी 1.9 होता है, तो रेड एलईडी के सिर्फ गैलियम आर्सेनाइड होता है तो इसका एनर्जी गैप होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये होता है। ये जो है इंफ्रारेड के लिए यूज होगी। तो ये चीज होता है, इसका सिंबल जो है इसको रिप्रेजेंटेशन होगा वैसे रहता है, बोला सर नहीं आ रहा है सर, आवाज कट रहा है सर, बहुत। क्लियर नहीं है सर। यस सर ठीक है, ये चीज होता है इसका। और अगर हम इसका एडवांटेजेस बोलते हैं, जैसे कि अगर हम जो ट्रेडिशनल यूज करते थे एलईडी का, तो एलईडी का एडवांटेजेस ये है कि ये वोल्टेज खर्च होता है कम, अगर सर नहीं तो पावर। है बहुत ज्यादा लाइक कर रहे थे। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर आ रहा है। हाँ ठीक है, स्क्रीन आ रहा है? रहा है। ठीक है। एलईडी का जो जैसे एडवांटेजेस है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका हम जानते हैं कि पोटेंशियल जो है कम खर्च करता है, लो वोल्टेज पे ही काम कर जाता है, 9 वोल्ट 12 वोल्ट का आता है। पुराना जो हम लोग ट्रेडिशनल बल्ब यूज करते थे टंगस्टन वाला फिलामेंट जिसका होता था, तो होता था 100 वाट 110 वाट, ज्यादा पोटेंशियल पावर जो होता है 100 वाट 10 वाट 9 वाट 12 वाट का आता है, तो कम पावर खर्च होता है, यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट कम पड़ेगा। ठीक है, नहीं फायदा होगा हमारा। ऊपर से जैसे कि अगर ट्यूबलाइट का बात करते हैं, तो पहले वाला था धीरे 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 गर्म होगा फिर लाइट देता था, लेकिन ये जो है तुरंत
बंद किए, तुरंत ऑफ हुआ, तुरंत ऑन। ठीक है, वार्म अप के लिए इसको समय नहीं चाहिए। लाइफ जो है इसका लॉन्ग है, लंबे समय तक चल जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें एडवांटेजेस है, एनसीईआरटी में दे रखा है, याद कर लेना है, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सोलर सेल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोलर सेल। हम लोग जानते ही हैं कि अगर आज के रेट में गांवों में चले जाएं जहां पे बिजली नहीं है, वहां पे सोलर सेल आजकल इम्पोर्टेंस रखता है, लगभग घर में लगाया गया है। नहीं तो शहर में तो इन्वर्टर से काम चल जाता है, बिजली का कटिंग कम है, लेकिन गांवों में जाओगे तो 5 घंटा 10 घंटा लाइट कटा हुआ है, तो उस केस में इन्वर्टर भी काम नहीं कर पाता है। तो वहां ज्यादातर लोग सोलर सेल यूज करते हैं, या फिर बहुत सारे प्लांट्स भी बैठ रहे हैं सोलर सेल के आजकल। ठीक है, आजकल कार का भी बात चल रहा है कि सोलर टाइप का रूफ बनाया जाए ताकि बिजली से ही चार्ज हो जाए। तो इलेक्ट्रिक वाला अगर सक्सेस होता है तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमको ये भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सोलर सेल। तो सोलर सेल जो होता है वो भी बेसिकली पीएन जंक्शन ही होता है। ठीक है, एन टाइप पी टाइप के होते हैं और उसी चीज को हम लोग यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, वही चीज देख रहे हैं। इसे सिंपल सा भी देखते हैं, तो ऐसा है हमारा पीएन जंक्शन। ठीक है, ये जंक्शन हो गया, इधर पी टाइप हो गया, इधर एन टाइप हो गया। इसको अगर हम किसी ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर या एमीटर जो भी लगा दिए करंट डिटेक्ट करने के लिए, या फिर सिंपली कहो कि हम बल्ब लगा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा है, अगर इस पे सनलाइट पड़ा, यानी कि सनलाइट पड़ा, यानी कि उसके पास कुछ एनर्जी होगा। यहाँ ध्यान रहे कि हम कोई भी बैटरी यूज नहीं किए हैं, कोई भी बैटरी यूज नहीं किए हैं, यानी ये कि ना फॉरवर्ड बायस्ड में हम कनेक्ट किए हैं, ना ही रिवर्स बायस्ड। सिंपली हम एक बल्ब यानी कि रेजिस्टर या फिर करंट हम फ्लो करने का जरिया दे दिए हैं। तो ये जो हुआ, यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर अंदर में तो बना हुआ ही है, क्योंकि इधर प्लस आ जाता था, इधर माइनस। ठीक है, तो होल और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा और होल इधर भागेगा। इन तरफ इलेक्ट्रॉन भागा और वो इधर की तरफ होल्स भागे। हमने यहाँ पे इसको रास्ता दे दिया है। मान लेते हैं कि अगर नहीं होता, स्विच जो है ओपन होता, ठीक है, तो ये जो होल्स हैं वो आके इधर इकट्ठे होते और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ इकट्ठे होते, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता हुआ हमको दिख रहा है। अगर हम इस स्विच को ऐसे क्लोज कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर से भागेंगे, ये होल्स इधर से भागेंगे, यानी कि ओवरऑल करंट जो है इसमें हमको इधर की तरफ करंट मिलेगा और ये हो सकता है बल्ब जलने लगे। ठीक है, तो सोलर सेल जो है हमारा इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी कि यहाँ भी क्या होता है, एवलेंस ब्रेकडाउन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि ये ना तो फॉरवर्ड बायस्ड है एंड रिवर्स बायस्ड, दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि हम बैटरी कनेक्ट नहीं किए हैं। बैटरी इसमें हम कनेक्ट करते हैं बाद में, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए करते हैं, ना कि बैटरी से हम एनर्जी कुछ ले रहे होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये चीज है कि ये जो है एवलेंस ब्रेकडाउन पे है, ये जो है सनलाइट है, मेनली हम लोग सनलाइट ही यूज करते हैं, तो सनलाइट इस पे पड़ा, टूटा, कैसे करंट फ्लो होगा। लेकिन हम लोग कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो चीज हम देखते हैं, तो हम लोग का जो पैनल होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, जो हम लोग देखते हैं घर के बाहर या छत पे लगा हुआ वो इस तरीके का होता है, पतला सा होता है, हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि हमको दिखे।
ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। थिकनेस का बात करें तो इसका थिकनेस 0.3 में माइक्रोमीटर होता है, बहुत ही पतला हरा कलर का अगर देखोगे तो दिखता है। ये इसका थिकनेस जो होता है 3 माइक्रोमीटर, 300 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, ये वाला पी है, ये एन है, और ये बीच में जो दिख रहा है ये हमको जंक्शन दिख रहा है। ठीक है, ये जो है जंक्शन है। ऊपर जो थिकनेस है बहुत कम है, ये नीचे जो है मेटल सपोर्ट हो, मेटल सपोर्ट जहां से यहां से वायर निकला हुआ रहता है। ऊपर में भी ऐसे फिंगर्स बने होते हैं, यानी कि वायर बन का जाल बिछा हुआ रहता है। ठीक है, ऊपर भी अगर देखोगे तो ऐसे वायर्स, यानी पतले पतले ऐसे स्ट्रिप टाइप के सिल्वर कलर के वायर्स दिखते हैं, उस पे ऐसे बिछा हुआ रहता है। यहाँ से एक वायर गया रहता है, और ये वायर और ये वायर मेन कनेक्शन ऐसा है। अब इस पे अगर लाइट ऐसा पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि सनलाइट हो गया, जो मेन वर्किंग है जो हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं वही चीज है, इसको बोलते हैं हम लोग मेटल फिंगर्स। ठीक है, लेस देन 15% ऑफ एरिया होता है, यानी कि स्टॉप एरिया है उसका 15% से भी कम एरिया रखते हैं, ताकि सनलाइट जो है मैक्सिमम जो पड़े वो हमारा सेमीकंडक्टर पे पड़े, इस मेटल पे ना पड़े। ये थिकनेस हम लोग कम इसलिए रखते हैं ताकि सनलाइट का जो एनर्जी है वो डायरेक्टली इस जो हमारा डिप्लीशन रीजन है उसमें जाके वर्क करे, यानी को डिप्लीशन रीजन में जाएगा और होल इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को तोड़ देगा, तो इलेक्ट्रॉन इससे ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे हर जगह आएगा, तो हर जगह तो हम वायर लगा नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसे वायर्स के फिंगर्स उस पे बिछा कर, जाल बिछा के रखे होते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन इस पे आके चिपक। होल्स जो है, होल्स नीचे की तरफ भागेगा, यानी कि होल्स इस पे आके इकट्ठा हो रहा है, तो ये मेटल जो लगा हुआ है इससे, जो वायर लगा हुआ है इससे, यानी कि ऊपर हमको निगेटिव पोटेंशियल और नीचे पॉजिटिव पोटेंशियल दिख रहा है, अगर हम यहाँ से ला के एक बल्ब को ऐसे लगा देते हैं तो करंट जो है फ्लो करने लगेगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा हायर से लोअर की तरफ। इस बल्ब की जगह हो सकता है कि हम एक बैटरी कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो बैटरी को हमको चार्ज करना है, तो हम बैटरी को ऐसे कनेक्ट करेंगे ताकि करंट इधर से इधर जाए, तो ये भी है ये चार्ज्ड हो। ठीक है, इसको हम चार्ज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं ताकि बाद में हम यूज कर सके। ठीक है, इस चीज को और हम साइड से देखें तो ऐसा हमको दिखेगा, एन पी नीचे की तरफ मेटल सपोर्ट जिसपे हम लोग रखते हैं, उसके नीचे अगर रियल में देखोगे तो थर्मोकोल भी लगा हुआ रहता है, ऊपर ये वायर्स दिख रहे हैं। ठीक है, मेटल फिंगर्स दिख रहे हैं, ऐसा लाइट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सोलर सेल का वर्किंग होता है। इसमें तीन प्रोसेसेस हो रहे हैं, ध्यान से देखो, तो तीन मेन बेसिक प्रोसेसेस पे ये फोकस्ड। पहला ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फॉर्मेशन होना, यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगर जनरेट होता है, यानी कि टूटता है, तभी जाके हमारा ये करंट, इसलिए रात में ये डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि रात में जो सनलाइट रेज आते हैं उतना इंटेंसिटी उसके पास नहीं होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को सेपरेट होना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ऊपर की एन तरफ जाएंगे और होल्स जो है पी साइड में मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एन और पी साइड जब मूव कर रहे हैं तो हमको रास्ता प्रोवाइड करना पड़ेगा कि भाई आगे भी चले। अगर हम इस एन का थिकनेस ज्यादा रखेंगे, होता है कि एन में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था किसी से आगे टकरा, तो कंडक्टिविटी उसका थोड़ा बहुत, जो सन रेज आ रहा है वो डीप पेनेट्रेट नहीं पाएगा, इसीलिए एन टाइप का जो थिकनेस है वो हम लोग कम रखते हैं।
ऊपर वाला जो फिगर बनाया है वैसा हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उस केस में हमारा डिप्लीशन रीजन उतना हम चौड़ा करेंगे कैसे, रिया हमको ज्यादा चाहिए, तो इसीलिए हम लोग इस तरीके का फॉर्मेट पे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं कि एन टाइप ऊपर रहेगा, थिकनेस इतना कम रखेंगे कि जो सनलाइट है वो नीचे तक इफेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये सारे चीज पे ये इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और फिर इलेक्ट्रॉन का जो है एन साइड से पी साइड तक कलेक्शन होना, इन तीन चीजों पे ये डिपेंड करता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन में हम आते हैं कि कैसा हम एनर्जी रखें, यानी कि जो सेमीकंडक्टर होना चाहिए ऐसा यूज होगा जिसका एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो और इसके आसपास का हो। ठीक है, इसके आसपास का अगर होता है कम होता है तभी जाके हमारा फायदेमंद होता है। क्यों? सनलाइट का अगर इंटेंसिटी ड्रॉ करा जाए, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट का अगर हम इंटेंसिटी ड्रॉ करते हैं और एनर्जी, इधर हम लिख रहे हैं एनर्जी, इधर इंटेंसिटी, तो हमको ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होता है, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो हमारा सोलर रेडिएशन है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो हमारा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम यूज करना चाहते हैं तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही ऐसा ही एनर्जी गैप जो इसके आसपास हो। जैसे गैलियम आर्सेनाइड हो गया जिसका 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चल जाएगा, क्योंकि इसके जो एनर्जी गैप है 1.5 से कम है और ये आसानी से टूट जाएगा। जर्मेनियम है, जर्मेनियम का 0.72 होता है, तो हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नॉट यूज्ड। अब कोई सवाल ये करेगा कि 1.5 है उससे तो बहुत कम है, आसानी से यूज हो सकता है, फिर इसको यूज क्यों नहीं करते हैं? तो इसलिए हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा अगर करते हैं तो जो मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस होते हैं वो टॉप लेयर ऑफ सोलर सेल पे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, नीचे तक नहीं आते, तो जो होल क्रिएट होते हैं वो पी तक नहीं आ पाते। यानी कि जो हम लोग यहाँ पे फॉर्म किए हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये जो टॉप लेयर है वहीं का जो लेयरिंग है उसी का इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पे फॉर्म कर जाता है और उस केस में इफेक्टिव हमको नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इतना यूज नहीं करते हैं, लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का ही यूज करेंगे। जो सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, गैलियम आर्सेनाइड 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो इस चीज को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम इसका आई वर्सेस वी कर्व बनाते हैं, तो आई वर्सेस वी कर्व के लिए ध्यान से सुनो कि जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट चूज किए थे तो उसमें करंट जो था वो पी टू एन था, ये फॉरवर्ड था, इधर के लिए रखे थे तो रिवर्स बायस था और इधर करंट जो था आई एन से पी था, यही था फॉरवर्ड बायस, यानी कि पी हायर पोटेंशियल पे और एन जो है लोअर पोटेंशियल पे, ये था। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो हम कोई एक्स्ट्रा बैटरी यूज कर नहीं रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट गया हाथ से, रिवर्स भी नहीं यूज कर रहे, थर्ड क्वाड्रेंट भी गया हाथ से। ठीक है, अब बच गया हमारा सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो करंट हमने देखा इसमें, तो करंट यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या करंट देखो, तो हमको N से P दिख रहा है, N से P यानी नीचे, यानी कि ये वाला हमको दिख रहा है, तो और हायर पोटेंशियल पे जो है वो हमारा P ही आ रहा है, यानी कि नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा है,
तो ये हायर पोटेंशियल पे है, यानी कि हम इसके लिए फोर्थ क्वाड्रेंट चूज कर लिए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हम ड्रॉ करते हैं तो ऐसा कुछ आता है। ये जो करंट है इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट पोटेंशियल। ओपन सर्किट यानी कि अगर हम करंट कोई वायर से ज्वाइन नहीं करे होंगे उस समय पोटेंशियल डिफरेंस पी और एन का सबसे हाई होगा, और ये है शॉर्ट सर्किट करंट। यानी कि अगर हम बीच में बिना रेजिस्टेंस के पी और एन को कनेक्ट कर देंगे तो दोनों मिल जाएंगे और उस समय करंट सबसे ज्यादा फ्लो कर रहा होगा, तो ऐसा हमारा आता है। अब पर्पस याद रखना है कि इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों बनाते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि अगर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अगर हमसे पूछा जाए ठीक है, यानी कि अगर हमको सोलर सेल बनाना है तो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या होगा, तो पहला है बैंड गैप। बैंड गैप ध्यान रहे 1 से लेके 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली है 1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 के आसपास होना चाहिए। सेकेंड इसका ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करेंगे ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि लाइट को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करें, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। जितना ज्यादा अगर वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा ही हमारे लिए फायदेमंद। थर्ड कंडक्टिव तो होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। बाकी जो है इजिली अवेलेबल, ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कॉस्ट हमारा कम लगना चाहिए, कॉस्ट तो फैक्टरी, लेकिन मेन क्या है ये चीज, ये तीन चीज मेन है, बाकी तो हम लोग रखते ही है। कॉस्ट अगर जितना कम रहे उतना ज्यादा रहे, अगर बना दे बहुत महंगा ही है तो 2-4 पीस ही बेच पाएंगे, ठीक है। तीन सब चीज को ध्यान से देखना है। तो ये रहा हम लोग का डायोड के बारे में। नेक्स्ट हम लोग का ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर करने से पहले अभी तक हम लोग जितना कुछ भी पढ़े हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे फिर ट्रांजिस्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन, जैसे कि हमारा जनरल डायोड था तो उस पर रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछेगा, अभी जो भी सर्किट आया उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछते हैं, नहीं तो बाकी सब थ्योरेटिकल ही होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड फिर से एनसीईआरटी में यहाँ तक जो भी दिक्कत होगा उसको पढ़ लो समझ लो, और जो भी दिक्कत है उसको पूछ लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी एनपी जो जंक्शन बना है, पीएन जंक्शन जो बना है उसी से रिलेटेड है, इससे थोड़ा सा एक लेवल आगे का, तो हम लोग समझेंगे ट्रांजिस्टर। उसके बाद हम लोग का बच जाता है लॉजिक गेट, तो मोस्टली और 3 लेक्चर लगेगा हम लोग का, ठीक है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, इसको एक बार पढ़ो और बाकी सब पीछे का जो कर रहे हो उसको करते जाओ, इसको हम एक ही बार बोलेंगे कि एक ही बार मॉड्यूल सॉल्व कर लेना है। यस सर, ठीक है। फिर आज के लिए